तो सर मुझे बताइए कि लेज़र का भी इसमें उपचार किया जाता है, लेज़र ट्रीटमेंट से ही इसका आप बिल्कुल अच्छे से एक उपचार करते हैं जिससे काफ़ी मात्रा में जो है पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो जैसे कि लेज़र के प्रकार कौन कौन से हैं और लेज़र किस तरह से काम करता है, क्या उसका एक पैटर्न होता है? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली पेशेंट्स के मन में हमेशा ये उत्सुकता रहती है कि लेज़र होता क्या है। लेज़र एक लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन, इस प्रकार की एक प्रणाली है। लेज़र के माध्यम से क्या होता है कि जैसे हम लोग पाइल्स का उदाहरण लेंगे, तो जैसे ये पाइल्स मैंने आपको अभी समझाए हैं कि ये जो डेंटेड लाइन होती है इसके ऊपर पाइल्स हमेशा होते हैं। तो पाइल्स में हम लोग जब लेज़र उपचार करते हैं तो लेज़र के माध्यम से विशिष्ट प्रकार की किरणों को हम इसके जड़ में देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहाँ पर जो फीडिंग आर्टरी और वेसल्स है वो श्रिंक हो जाती है और जो पाइल्स है वो ठीक हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का घाव नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का चीरा या टाँके नहीं रहते हैं, और वहीं पर नेचुरली जहाँ पोजीशन में पाइल्स होते हैं, जहाँ हेमोरॉइडल कुशंस होते हैं, वहीं पर लेज़र के माध्यम से उपचार किया जाता है। अब लेज़र काम कैसे करता है? तो एक्चुअली लेज़र जो है मेलानिन, हीमोग्लोबिन और वाटर कंटेंट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है पाइल्स का, और नेचुरली जो हेमोरॉइडल कुशंस होते हैं उसको नॉर्मल पोजिशन में लाता है। अब इससे क्या होता है ना कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, और पेशेंट को बार बार ड्रेसिंग के लिए आने की आवश्यकता नहीं होती है। और